हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अपना हाई फ्रेम टैग। हाई फ्रेम टैग क्या होता है कि हमारे पास एक जब हम एक पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसी पेज के अंदर हम कोई और वेबसाइट दिखाएं, ठीक है, तो हम वो भी दिखा सकते हैं। हम उसके लिए कोई पैराग्राफ चूज़ करना चाहते हैं या उसके लिए कोई डिटेल लिखना चाहते हैं, हम वो भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना कोई और पेज भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने एक सिंपल फाइल बनाई और आई फ्रेम टैग के नाम से मैंने सेव कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टैग लेंगे आई फ्रेम, ठीक है, और मैं इसको क्लोज भी करूँगा। इसको मैंने क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर हमने कोई भी जो काम करना है वो हम इसके अंदर करेंगे, यानी कि आई फ्रेम के अंदर हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आई फ्रेम टैग के अंदर यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम उसका सोर्स लिखेंगे, SRC जिसे हम कहते हैं, जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और पैराग्राफ मतलब कि अपना पेज भी कर सकते हैं ऐड, और कोई वेबसाइट भी हम कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए आपने उसका मुकम्मल जो लिंक है, जैसा कि आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी पेज यहाँ पे आपको शो करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो मेरी फाइल के अंदर हमने जैसे कि पहले किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ प्री टैग वाला पेज जो है, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे मैंने उसके मुकम्मल जो है एक्सटेंशन भी दी और मुकम्मल बताया कि मेरा जो फोल्डर है वो HTML के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसको मैं अब सेव करूँगा और रन करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, एक कॉर्नर के साइड पे मेरे पास आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे हाइट और जो विड्थ है वो देना होगी, ठीक है। जब मैं हम हाइट देते हैं पिक्सल में, तो हमें विड्थ जो है वो भी पिक्सल में ही देना होगी। तो यहाँ पे मैं 500 पिक्सल में देता हूँ मैं विड्थ, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये देखें इसकी विड्थ आ गई। तो हम इसको अगर अच्छा नज़र आने के लिए यहाँ पे हम इसको हाइट भी देते हैं, हम देते हैं 500px, ताकि हमारा जो पेज है वो इक्वल साइड में ओपन हो, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज है वो इक्वल साइड में ओपन हो गया। तो हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ के लिए एक टैग बनाना होगा, ठीक है। और इस पी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हम उसके लिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं लिप्सम। तो यहाँ से एक डमी पैराग्राफ क्रिएट करके उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ लिया और यहाँ पे इसको आगे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम करेंगे सेव। जैसे हम इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देख रहे हैं आप नीचे आ रही है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो हमारा था वो नीचे आ रहा है। अब हम इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आई फ्रेम के अंदर ही एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं अलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस अलाइन को यूज़ करेंगे
ठीक है। और इसके लिए हम लेफ़्ट राइट और बॉटम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट, इसको मैंने सेव किया और रन करते हैं। ये देखिए ये राइट पे आ गया, लेकिन यहाँ पे ना हमें कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा व्यू, तो हम चाहते हैं हमारा ये लेफ़्ट पे हो। तो हम इसको लेफ़्ट कर देते हैं। ये देखिए ये लेफ़्ट पे आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं फ्रेम बॉर्डर, जो कि आपके पास ये देख रहे हैं आप, इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है। तो हम वहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टैग होगा फ्रेम बॉर्डर का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं ज़ीरो, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने किया इसको सेव। ये देखें यहाँ पे जो आपका बॉर्डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पे आप अगर 10 देते हो तो काफ़ी बड़ा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 है वही वैल्यू इसकी वर्क कर रही है, तो ये हम इसको 1 ही रहने देते हैं। तो ये था हमारा आज का आई फ्रेम टैग। तो आप इसके अंदर कोई और जितना मर्ज़ी डाटा चाहें वो इंटर कर सकते हैं, कोई और वेबसाइट हो तो आप उसको भी यहाँ पे जहाँ पे हमने ये पेज को ऐड किया यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है ऑडियो टैग और वीडियो टैग जो है हम करेंगे। तो इसी के साथ आपसे जाते हैं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक, अल्लाह हाफिज़।